के शंकर नारायणन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने कल देर रात उनका तबादला महाराष्ट्र से मिजोरम कर दिया था। इसके बाद शंकर नारायणन ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त किए गए राज्यपालों की विदाई थम नहीं रही है। इस फेहरिस्त में नया नाम महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे शंकर नारायण का जुड़ गया। राष्ट्रपति ने उन्हें महाराष्ट्र से मिजोरम तबादला कर दिया था। शंकर नारायण ने मिजोरम जाने की जगह इस्तीफा देने का फैसला किया। आई रिजाइन बिकॉज आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एज गवर्नर। सो मेनी रीजंस मे बी इन द बैक पेजेस दैट आई डोंट वांट टू से नाउ। इट इज नॉट प्रॉपर ऑन माय पार्ट टू से अबाउट ऑल दैट बिकॉज my feeling is I have to honor the constitution. Feeling is जाते जाते शंकर नारायण ने तबादले के पीछे सियासी मंसूबों का आरोप भी मढ़ दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को मिजोरम स्थानांतरित किया था, हालांकि बाद में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यूपीए के वक्त नियुक्त किए गए 7 राज्यपालों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया था और उनमें से कई ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। 2004 में जब मनमोहन सरकार सत्ता में आई थी तो उसने भी एनडीए सरकार के 4 राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया था। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।